हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे फेस मसाज। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो सबसे पहले आपको लगा लेना है अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल। तो आज हम करने वाले हैं फुल फेस लिफ्टिंग मसाज। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आता है अपनी आँखों पर और अपने फोरहेड पर। यहाँ पर रिंकल्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम अपने फोरहेड पर मसाज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मसाज है हम अप डायरेक्शन में कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें इस तरह से करना है। अगर आप डेली बेस पे ये मसाज करते हैं तो आपके जो आसपास रिंकल्स आ गए हैं आँखों के आसपास फोरहेड में, तो वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों में मसाज करना है और डेली ये मसाज आपको करना है। यहाँ पर हम करेंगे, जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, 8 to 10 टाइम आपको करना रहेगा। ये हमारा हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो इस तरह से अपने फिंगर से यहाँ पर हम अपने फोरहेड पे मसाज करेंगे और इस मसाज से आपको रिलैक्स भी फील होता है बहुत अच्छा। तो मैं तो कहूँगी आपको कि जब भी आप रात में सोने जाएं, उससे पहले अपने फेस के अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप सो जाइएगा, देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो स्किन है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको जस्ट चेंज होती नज़र आएगी। यहाँ पर दूसरा मसाज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमारे आंखों के आसपास क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी जो आँखें वो नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ मसाज करेंगे, तो जो स्किन लूज हो गई है वो भी टाइट हो जाएगी, अगर रिंकल्स आ गए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। दूसरी तरफ भी सेम आपको इसी तरह करना है। देखिए कॉर्नर पे आपको इस तरह से करना है, जैसे कि फिंगर से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह आपको हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर करना है मसाज। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम अपने हाथों को, जैसे कि मैं लेके जा रही हूँ, इसी तरह से आपको यहाँ पर मसाज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो स्माइल लाइन है वो यहाँ पर आ जाती है हमारे नोज के आसपास। यहाँ पर हल्का सा क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो, हमारी जो स्किन है वो फुली से लगने लगती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर हम रेगुलर मसाज करेंगे तो ये अपने शेप में बने रहेंगे। एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो आप इसे काउंट कर लीजिए या फिर टाइमर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ऊपर की तरफ हम आ जाते हैं, अपने जो लिप्स है, लिप्स के आइट साइड जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर भी जो हमारा फैट है वो जमा होता है। तो इसे हम इस तरह से मसाज करेंगे जैसा अभी हम देख रहे हैं। यह मसाज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नीचे की साइड हमारी जो लो लाइन है उसे भी हमें शेप में रखना है। तो उसके लिए आप दोनों फिंगर से मसाज करते हुए आपको इसको अपने ईयर तक लेके जाना है।
दूसरी साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए जो हमारा थंब है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है और अपने फिंगर से इस तरह से मसाज करेंगे। इस मसाज से क्या होता है, हमारी जो जॉ लाइन की शेप है वो बनी रहती है। अब देखिए आपको दोनों हाथों को रखना है, अपने नोज की हम यहाँ पर मसाज कर रहे हैं इस तरह से। अब इसी को हम बिल्कुल जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं बस इस तरह से आपको लेके जाना है। इसे आप काउंट करते हुए ले जा सकते हैं और नीचे नेक पे लाके हमें इसे खत्म करना रहेगा। अब लास्ट में हम करेंगे अपनी नेक की मसाज, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिंकल्स तो हमारे नेक पे ही पड़ना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो अपने नेक को मसाज करना ना भूलें। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर सो मच।